नमस्कार, मैं प्रिया, आपका स्वागत है बिहार न्यूज में। कौन मारेगा बाजी में आज हम बात करेंगे दीघा विधानसभा क्षेत्र की। बिहार विधानसभा चुनाव की रणभेड़ी बज चुकी है, ऐसे में राजनीतिक पार्टियों के बीच चुनावी रैली का भी जंग छिड़ गया है। विपक्ष लगातार सरकार पर हमलावर है, दोनों ही तरफ से आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। आपको बता दें कि दीघा विधानसभा सीट पर दूसरे चरण में चुनाव होना है। इस चुनावी मैदान में भाजपा से संजीव चौरसिया और भाकपा माले से शशि यादव आमने सामने की टक्कर में है। दीघा विधानसभा क्षेत्र में चल रहे राजनीतिक सरगर्मियों को जानेंगे समझेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर इस विधानसभा के अतीत पर। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं 2015 विधानसभा चुनाव के बारे में। दीघा पटना साहिब लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत आता है। यह साल 2008 में अस्तित्व में आया था, जो पटना जिले के अंतर्गत है। दीघा विधानसभा क्षेत्र में 6 पंचायतों और पटना नगर निगम के 21 वार्ड है। यह बिहार का सबसे बड़ा विधानसभा क्षेत्र है, जिसमें लगभग 4 लाख मतदाताओं के साथ 400 बूथ है। साल 2015 के बिहार विधानसभा चुनाव में दीघा 36 सीटों में से एक थी, जिसमें VVPAT सक्षम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन उपलब्ध रही थी। में साल 2015 में भाजपा और जदयू के बीच कड़ा मुकाबला हुआ था, जिसमें भाजपा प्रत्याशी ने परचम लहराकर विधायक की सीट पर काबिज हुए थे। संजीव चौरसिया भाजपा से थे और उन्होंने 92,671 वोट हासिल किया था। वहीं उनके निकटतम प्रतिद्वंदी राजीव रंजन प्रसाद ने इस चुनावी जंग में 67,892 वोट प्राप्त किया था। दोनों उम्मीदवारों के बीच वोटों के अंतर की बात की जाए तो 24,779 वोट का अंतर रहा था। संजीव चौरसिया विधायक निर्वाचित हुए थे। अब हम साल 2010 के चुनाव परिणाम को देखें तो इस साल जदयू और लोजपा के बीच मुकाबला था। जदयू की प्रतिनिधि पूनम देवी थी, तो वहीं लोजपा से सत्यानंद शर्मा थे। पूनम देवी ने सत्यानंद शर्मा को 60,462 वोट से शिकस्त किया था। पूनम देवी कुल 81,247 वोट हासिल उन्होंने किया था। वहीं सत्यानंद शर्मा को 20,785 वोट मिले थे। विकास कार्य की तरफ देखें तो स्थानीय स्तर पर सुधार कार्य हुए हैं। लोगों को बिजली की सुविधा उपलब्ध हुई है, पेयजल की आपूर्ति होती है, महिला शिक्षा में जागरूकता और प्रोन्नति लाई गई है। चुनावी मुद्दों की बात की जाए तो स्थानीय लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। आखिर कब तक अपनी परेशानियों से मुंह मोड़कर उसे नजरअंदाज किया जाए। हर साल बारिश आती है और परेशानी का भी आना तय होता है। जब बारिश होती है, जल जमाव होता है और सामान्य जीवन भी जीना मुहाल हो जाता है। पेयजल की अनुपलब्धता दैनिक जीवन को भी कठोर बना डालती है। जाम की समस्या प्रगतिशील मध्यवर्गीय लोगों का वक्त ले कर चली जाती है। वहीं नाला निर्माण को लेकर भी लोगों की उम्मीदें हैं। झुग्गी झोपड़ी के बसिंदा इस आस में हैं कि सरकार और जनप्रतिनिधि उन पर ध्यान दे तो ऐसे मुश्किलों से निजात मिले और उनके सिर पर एक पक्के का छत हो। अब हम इस साल की बात करें तो इस विधानसभा क्षेत्र में आमने सामने संजीव चौरसिया है, तो वहीं टक्कर में शशि यादव है। एनडीए की तरफ से यह सीट भाजपा के खाते में गई है। भाजपा ने अपने पुराने उम्मीदवार पर एक बार फिर से भरोसा जताया, संजीव चौरसिया को इस सीट से उम्मीदवार घोषित किया। वहीं विपक्ष पार्टी की बात की जाए तो महागठबंधन से भाकपा माले के खाते में यह सीट गई है। भाकपा माले ने अपने उम्मीदवार शशि यादव को इस सीट पर उतारा है। दोनों पार्टियों के बीच टक्कर में देखना यह दिलचस्प रहेगा कि यहां की जनता एक बार फिर से अपने पुराने विधायक पर भरोसा जताती है या फिर नए प्रत्याशियों को मौका देती है। संजय चौरसिया की इस सीट पर कितना वोट हासिल करते हैं यह जानना दिलचस्प रहेगा। इसके साथ ही आज के इस वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद।